हेलो फ्रेंड्स आज का पहला क्वेश्चन लिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर वन इफ अ पर्सन और एन एनिमल अगर कोई व्यक्ति या कोई जानवर ईट्स मच ऑफ हिज बॉडी ईट्स मच अगर ज्यादा खा लेता है हिज बॉडी चेंजेस द एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स इन टू फैट एंड स्टोर इट बड़ी ही हेल्दी बात कही है मेरे भाई चैप्टर नंबर सत्रह का एक्सरसाइज नंबर सी का पहला क्वेश्चन कह रहा है अगर कोई व्यक्ति या कोई एनिमल जो है ज्यादा खाना खा लेता है उसकी बॉडी जो है एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट्स एक्स्ट्रा प्रोटीन जो है वो फैट यानी चर्बी में कन्वर्ट करके स्टोर कर लेते हैं तो भैया ज्यादा मत खाओ ना टाइम पे खाओ आराम से खाओ ज्यादा नहीं खाने का इस सेंटेंस में वैसे भी कोई एरर नहीं है और ग्रामर की भी कोई एरर नहीं है ये सेंटेंस बिल्कुल नो इंप्रूवमेंट के साथ पास कर ले आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है सोकराच जो सुक्रात है वाज वन ऑफ द वाइजेस्ट मैन दैट एवर लिव्ड जो जिंदा रहे लोगों में सुक्रात जो है उन वाइजेस्ट सबसे बुद्धिमान लोगों में से एक है कौन सुकरात नियम क्या है दोस्तों नियम समझिएगा नियम कहता है वन ऑफ के बाद जो भी आपको नाउन या प्रोनाउन लगाना है वो प्लूरल यानी कि बहुवचन का लगाओगे यानी मैन गलत हो जाएगा यानी इंप्रूवमेंट तो चाहिए ही चाहिए और प्लुरल चाहिए तो वाइजेस्ट मैन लगा दो वन ऑफ द वाइजेस्ट एन मैन आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर थ्री की तरफ वी मस्ट नॉट थिंक हमें सोचना ही नहीं चाहिए दैट पीपल बिलोंगिंग टू फ्यू कास्ट सुपीरियर टू अदर्स कि कुछ कास्ट यानी कुछ जाति के लोग दूसरों से सुपीरियर होते हैं बेहतर होते हैं अच्छे होते हैं किसी भी मामले में यानी कि क्वेश्चन नंबर थर्ड का फ्यू कास्ट की जगह आएगा सम कास्ट हमें नहीं सोचना चाहिए कि कुछ कास्ट के लोग दूसरे कास्ट से ज्यादा अच्छे होते हैं हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका डिजिटल तैयारी चैनल पे मैं श्रेयांश कोठारी लेके आऊ दोस्तों आपकी प्यारी सीरीज आप जिसका इंतजार करते रहते हैं हमेशा ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश बाय एस पी बख्शी बहुत प्यारी किताब है और इसे लगातार करवाते ही जा रहे हैं क्योंकि आपका प्रेम आपका स्नेह सदा बना दोस्तों अभी जिन चैप्टर्स को जिन चैप्टर्स पे पहुंच चुके हैं ये ऑलमोस्ट फर्स्ट पार्ट के पे एंडिंग पे हैं ग्रामर एंडिंग पे है और दोस्तों मैंने बहुत सारी एरर्स कराई है लगातार बहुत सारे पूछ रहे थे लोग एरर्स कब कराओगे एरर्स कब कराओगे हो चुके खत्म अब सेंटेंस की बहुत सारी एक्सरसाइज हैं, वो भी समाप्ति पर हैं, मतलब समाप्ति हो जाएंगी और उसके बाद वो सेक्शन पे आ जाएंगे चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहां क्या कहना चाहता हूं लेट द फियर ऑफ लूजिंग बी ग्रेटर देन द एक्साइटमेंट ऑफ विनिंग क्या कहना चाह रहा है दोस्तों ये बात आप एक बात समझ लीजिए कि जब एक सिक्का उछलेगा तो या तो वो हेड देगा या चेल देगा यानी एक सिक्के के दोनों पहलू हैं दोनों पहलू में से कोई भी पहलू सामने आ सकता जब आप किसी कार्य को सोचते हैं करने का तो उसके भी दोनों पहलुओं को दिमाग में रखिए एक आपका फियर फियर नहीं सक्सेस और फेलियर ऐसे शुरू करते हैं बात सफलता एक तरफ है फेलियर दूसरी तरफ है दोनों में से एक ही मिलेगा यह भी पक्की बात है यह भी निश्चित है सफलता के बाद क्या एक्साइटमेंट मिलने वाली है सफलता के बाद क्या चीज पहुंचने वाले हैं क्या चीज करने के लिए हमने ये रास्ता चुना था उसको इमेजिन करिए उसके लेवल को देखिए आपके परिवार को कितनी खुशी होगी आपको स्वयं कितनी खुशी होगी और उसके साथ कैसा आत्मविश्वास होगा और फेलियर दोस्तों फेलियर के साथ जुड़ा है क्या फियर डर क्या हो सकता है ज्यादा से ज्यादा यही तो होगा ज्यादा से ज्यादा यही तो होगा तो दोनों एक्सट्रीम सोच लीजिए दोनों एक्सट्रीम सोचने से आपको पता चलेगा आप अपने आप को समझा पाएंगे इस रास्ते पर जाना है या नहीं और आपको यही समझ आएगा कि फेलियर कोई बड़ी बात नहीं है फेलियर का फियर कोई बहुत बड़ा नहीं है लेकिन जो विनिंग की एक्साइटमेंट है वो बहुत ज्यादा है और वो बहुत ज्यादा है इसीलिए उस रास्ते पर चलना है तो ये अभी निर्धारित कर लीजिए कि आपको क्या करना है जब आप वो कर लेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि बॉस विनिंग की एक्साइटमेंट अलग ही है विनिंग का टेस्ट अलग ही है ये जो फेलियर के छोटे मोटे टेस्ट है ना ये उसके सामने कुछ नहीं है तो आप इस बात को समझ गए होंगे हम आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं आज के वर्ड पे मतलब आज की मिठाई क्या आपने खाई आज की मिठाई है दोस्तों ब्रिक बैट ब्रिक बैट एक तरह का आ, ये समझ लो ब्रिक का टुकड़ा है जो वेपन के रूप में काम लिया जाता है मतलब ये समझ लीजिए आप कि ब्रिक का एक ऐसा टुकड़ा जो काम आएगा बैट की तरह बैट की तरह किसी को ठोकने में पीटने में उसे कहते हैं ब्रिक बैट या फिर एक्चुअल में इसका यूज कहाँ लिया जाता है एक्चुअल में इसका यूज लिया जाता है ब्लंट क्रिटिसिज्म कोई आदमी किस पे बहुत ही तीखे प्रहार कर रहा है ब्लंट क्रिटिसाइज कर रहा है उसे कहा जाता है ब्लंट क्रिटिसिज्म उसे भी ब्रिक बैठ कहा जाता है तो मैं चाहता हूं मजा ही आ जाएगा आप sentence हम आगे बढ़ते हैं। तीन क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके थे हम चौथे की बारी आई थी चौथा आया है दोस्तों कंडीशनल सेंटेंस और कंडीशनल सेंटेंस के नियम आपको याद होंगे अगर दूसरे वाले पोर्शन में वुड हैव प्लस वी थ्री का प्रयोग किया जाता है वापस बोल रहा हूं अगर दूसरे वाले पोर्शन में वुड का प्रयोग किया जाता है तो आपको यह ध्यान रखना है पहले वाले पोर्शन में यानी कि वाले पोर्शन में आपको हैड प्लस वी थ्री लगाना है अगर दूसरे वाले पोर्शन में वुड हैव प्लस वी थ्री लगाते हैं तो इफ वाले पोर्शन में हैड प्लस वी थ्री लगाना है मीनिंग समझा देता हूं क्या कह रहा है अगर उसने ज्यादा पढ़ाई की होती तो भैया डिस्टिंगशन आना उसके लिए आसान हो गया होता ना वो ला पाया होता ऐसा ये कहना चाह रहा है नियम को अगर मैं मानू तो यहाँ वु थ्री लगाना है का मतलब होता है ये इफ स्टडीड मोर अगर उसने ज्यादा पढ़ा होता तो ज्यादा नंबर आते सीधी बात कह रहा है भैया समझ लेना यार क्वेश्चन नंबर पांच क्या कह रहा है जरा समझिएगा ही हैज वेरी गुड कमांड ऑन इंग्लिश ऐसा नहीं होता दोस्तों कमांड ऑफ इंग्लिश इंग्लिश की कमांड है उसके पास इंग्लिश की बहुत अच्छी कमांड इंग्लिश बहुत अच्छी है उसकी गुड एट इंग्लिश बैड ऐट इंग्लिश पुअर इन इंग्लिश गुड कमांड ऑफ इंग्लिश ये छोटे छोटे प्रपोजिशन है ध्यान रखना है अपने को क्वेश्चन नंबर छ क्या कह रहा है मेरे भाई द पीपल इन दिलेज गाँव के जो लोग हैं आर डिप्राइव्ड को हिंदी में कहते हैं वंचित वंचित हैं। ऑफ एसेंशियल कॉमोडिटीज फॉर द पास टू वीक्स पिछले दो हफ्तों से वो वंचित है बेसिक कॉमन चीजों से एसेंशियल कमोडिटीज से एसेंशियल कॉमोडिटीज के सामान है उसकी बात हो रही है अब यहां पे समझना है फॉर द पास्ट टू वीक्स पिछले दो हफ्तों से जब भी इस तरह का प्रयोग किया जाएगा हमें आर को अवॉइड करना है दोस्तों ये बहुत सारी बार बता चुका हूं ये एरर्स में बहुत सारी बार आया है ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट में अभी तक भी बहुत सारी बार आ चुका है और याद रखिए एग्जाम में भी बहुत सारी बार आएगा सो so, समझ लीजिए इसको हैव बीन डिप्राइव करना है कब जब ये सिंस फॉर प्लस टाइम का प्रयोग किया जाए तब जब कोई चीज बहुत समय से होती है ना तब आप इस तरह का प्रयोग करते हैं द फार्मर्स वे ऑफ लाइफ फार्मर की जिंदगी जीने का तरीका कैन बी कॉन्ट्रास्टेड कॉन्ट्रास्ट के साथ आता है विद कॉन्ट्रास्टेड विद डैड ऑफ द फैक्ट्री वर्कर भाई सीधी सी बात है जो फैक्ट्री में काम करेगा उसके जीने का ढंग जीने का तरीका जीने का डेली रूटीन सब कुछ अलग होगा एक फार्मर के जीने के तरीके से अलग होगा ये कहना चाह रहा है आखिरी सवाल दोस्तों आज का द एंथुजियास्टिक वोटर्स जो उत्साह पूर्ण वोटर्स थे वर क्यूइंग अप आउटसाइड द पोलिंग स्टेशन पोलिंग स्टेशन के बाहर लाइन में कतार में लंबी कतार में खड़े थे सिंस मॉर्निंग। अगेन दोस्तों ये कुछ देर पहले ही मैंने कहा और मैं बार बार कहता रहूंगा और ये क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन तो आता ही रहता है मेरे भाई सिंस मॉर्निंग का प्रयोग किया है तो क्यूइंग अप की जगह पे बीन क्यूइंग अप आ जाएगा यानी आठवें का सी फॉर हो जाएगा। तो यहाँ आज का अध्याय समाप्त होता है अभी तो अध्याय शुरू हुआ है सी हुई है हुई इसके और क्वेश्चन जो बाकी रह गए अगले वीडियो में जरूर करेंगे आप साथ बनाए रखना कहीं जाना नहीं है आपको अगले वीडियो में फिर मिलेंगे थैंक यू एंड टेक केयर प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब